वेलकम स्टूडेंट्स, नाइन्थ लेक्चर है अपना कैलकुलस का चैप्टर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इसके टॉपिक है सम मोर टाइपिकल nth डेरिवेटिव्स, मतलब कि कुछ टाइपिकल nth डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे। अब जैसे पहला हमारे पास है सम फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ कोट इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स एक्स का हमने nth डेरिवेटिव निकालना है, तो वो किस तरीके से निकालेंगे वो हम करेंगे। और ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स, कुछ और सम्स को भी हम nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं इसी इक्वेशन को, y लेट कर लेते हैं जो आपके पास में फंक्शन दिया हुआ है। तो लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू कोट इनवर्स x, ठीक है। y हमारे पास क्या आ गया, कोट इनवर्स x। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास कोट इनवर्स x का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसी के अगर हम वैल्यूज निकाल लेते हैं, कोट को उधर ले आते हैं, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा कोट वाई के इक्वल। तो ये एक्स की वैल्यू जो है वो हम इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, माइनस वन अपॉन वन प्लस कोट स्क्वायर वाई। एंड वन प्लस कोट स्क्वायर वाई क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर वाई। तो ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर वाई, और वन अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो ये आ गया वाई वन। अब हम निकाल लेते हैं वाई टू, तो वाई टू हम साइन स्क्वायर वाई का निकाल लेते हैं। ये वाई टू जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वाई टू हमारे पास में आ जाएगा माइनस, तो ये रहेगा रहेगा माइनस टू साइन वाई कोस वाई, एंड वाई के स्पेंड कर रहे हैं इंटू में वाई वन आ जाएगा। अब वाई वन की वैल्यू क्या आई है हमारे पास में, साइन स्क्वायर वाई, तो उसकी वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस टू साइन वाई कोस वाई, एंड वाई वन हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर वाई, ये वैल्यू आ गई। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस हमारे पास दो आ रहे हैं, तो ये हम ले लेते हैं माइनस वन की पावर टू, और इंटू में टू आ रहा है, तो इंटू में इसका हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये क्या होता है हमारे पास, टू साइन थीटा कोस थीटा, तो वो क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा। तो ये आ जाएगा साइन टू वाई एंड साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। इसको भी हम इसी फॉर्म में लिखते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस वन की पावर वन एंड साइन स्क्वायर वाई। ये आ जाएगा हमारे पास में साइन, ये साइन स्क्वायर आया, इसको हम लिख देते हैं साइन वाई इंटू में साइन वाई। ये वाई वन जो है वो हमारे पास क्या आ गया, माइनस वन की पावर वन साइन वाई इंटू साइन वाई। एंड वाई टू क्या आ गया, माइनस वन स्क्वायर साइन टू वाई साइन स्क्वायर वाई। अब इसका थर्ड डेरिवेटिव और निकाल लेते हैं, ताकि उसी के अकॉर्डिंग कंटिन्यू दो तीन डेरिवेटिव निकाल के हम जनरल टर्म एनथ निकाल रख देंगे, निकाल लेंगे। अब हमारे पास आ गया वाई थ्री, वाई थ्री क्या आ जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं वाई थ्री की वैल्यू, तो माइनस वन की पावर टू कॉमन आ जाएगा। एंड अंदर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करें तो ये क्या आ जाएगा, टू कोस टू वाई एंड साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन टू वाई। साइन स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास में, टू साइन वाई एंड कोस वाई, और ये सब डेरिवेटिव हमने वाई के रिस्पेक्ट में किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई वन। तो ये टर्म्स जो है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, माइनस वाई माइनस वन का स्क्वायर, इसमें से एक बार लिख देते हैं इसको, टू कोस टू वाई साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन टू वाई इंटू में टू साइन वाई कोस वाई। एंड वाई वन हमारे पास में क्या है, वाई वन है माइनस साइन स्क्वायर वाई, तो इसकी वैल्यू लिखते हैं माइनस साइन स्क्वायर वाई, ये आ जाएगी। अब इन सब की वैल्यूज, माइनस वन और एक किधर माइनस आ गया, यानी कि माइनस वन की पावर थ्री आ गया, टू भी दोनों टर्म में इस कॉमन निकल जाएगा, इस टू को भी कॉमन निकाल लिया, यहाँ से भी साइन कॉमन निकल रहा है और यहाँ से भी साइन कॉमन निकल रहे हैं, तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास में, साइन वाई कॉमन निकल जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा, कोस टू वाई साइन वाई प्लस साइन टू वाई कोस वाई, तो ये आ जाएगा साइन टू वाई कोस वाई, और इंटू में क्या आ रहा है हमारे पास में, साइन स्क्वायर वाई। माइनस जो इधर था वो मैंने इसके अंदर ले लिया। अब ये क्या होता है, साइन साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी। तो
तो ये आ जाएगा -1 की पावर 3, 2, एक ये साइन वाई था, एक साइन स्क्वायर वाई था, तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास में, साइन क्यूब वाई, ये साइन क्यूब वाई आ गया, और ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन 3 वाई। तो ये हमारा आ गया थर्ड डेरिवेटिव। अब एक और डेरिवेटिव निकाल लेते ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया अच्छी तरह से हो जाए कि हमारे पास जो टर्म्स आ रही है वो इसी तरीके से आ रही है कि, तो हम फोर्थ डेरिवेटिव इसका निकाल लेते हैं। फोर्थ डेरिवेटिव में हम बाहर रख लेते हैं -1 की पावर 3 एंड 2, अंदर वाली टर्म में वही सेम फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस प्रोडक्ट, डेरिवेटिव में प्रोडक्ट का रूल लगाना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं 3 cos 3y एंड sin3y प्लस sin3y, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इनटू में 3 sin²y एंड cos y और मल्टीप्लिकेशन में y1। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, -1 की पावर 3 इंटू, ये इसमें से भी 3 कॉमन निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3, और cos sin²y भी कॉमन निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा sin²y। अंदर हमारे पास टर्म क्या रह जाएगी, cos 3y sin y प्लस sin 3y एंड इंटू में cos y, और y1 जो है वो क्या आया था हमारे पास में, -sin²y, तो y1 की जगह हम वो वैल्यूज लगा लेंगे -sin²y, तो यहाँ पर हमारे पास में एक टर्म क्या आ जाएगी, -sin²y, ये वाली टर्म्स हमारे पास में इधर आ जाएगी। ठीक है, अब एक ये माइनस था और एक ये माइनस था, इनको कंबाइन लिख लेते हैं, तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 4, एंड 2 इंटू 3 को हम 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी हम 1 फैक्टोरियल लिख लेते हैं, ये sin²y है, यहाँ पर भी sin²y है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, sin 4y, तो ये आ जाएगा sin 4y, और इसके साथ में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी जो है वो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन ए प्लस बी का, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या आ जाएगा, sin(4y)। अब आपके पास में फर्स्ट डेरिवेटिव था -1 की पावर 1, सेकंड डेरिवेटिव -1 की पावर 2, थर्ड डेरिवेटिव -1 की पावर 3, फोर्थ डेरिवेटिव -1 की पावर 4, तो इसी तरीके से जनरल टर्म जो हम लिख रहे हैं, nth डेरिवेटिव हमारे पास में क्या आ जाएगा, -1 की पावर n, यहाँ पर हमारे पास में कोई भी थर्ड में 2 फैक्टोरियल था, फोर्थ में सॉरी ये 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ये फोर्थ में n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल आ रहा है, तो nth में क्या हो जाएगा, एक कम आ जाएगा, यानी कि n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब 1 में क्या आ रहा था, sin y, सेकेंड में sin 2y, थर्ड में sin 3y, फोर्थ में sin 4y, तो nth में क्या आ जाएगा, sin ny, तो ये आ जाएगा sin ny, और यहाँ पर इंटू में sin y, sin² थर्ड में क्यूब आ रहा था, फोर्थ में 4 आ रहा था, तो ये क्या आ जाएगा, power sin ny। ठीक है, और y की जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या है, y हमारे पास में क्या है, cot inverse x के इक्वल, तो ये जो है वो nth डेरिवेटिव आ जाएगा cot inverse x का। तो इस तरीके से आपने डेरिवेटिव्स निकालने हैं। तो कुछ और हम एग्जांपल्स ले लेते हैं, यहाँ पर हमने ये लिया था cot inverse x लिया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड दो तीन डेरिवेटिव्स निकाल के हमें आइडिया हो गया कि nth डेरिवेटिव जो है वो जनरल टर्म कैसे निकलेगी, और उसी के अकॉर्डिंग हमने nth डेरिवेटिव निकाल के रख लिया। अब हम एक और सम करते हैं, नेक्स्ट हम हमारे पास सम है y is equal to tan inverse x, एंड हमें प्रूफ करना है nth डेरिवेटिव इक्वल टू आएगा -1 की पावर n-1, n-1 फैक्टोरियल sin n π/2 - y, एंड sin(n π/2 - y, तो इसको हमने सॉल्व करना है, सेम वैसे ही करेंगे हम, इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं, इस जो पूरा फंक्शन है उसको लेट दिया हुआ है हमें y के इक्वल, y इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है tan inverse x, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स दिया हुआ है, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन वाई के इक्वल आ जाएगा। अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर में वैल्यू लगा देंगे, 1 प्लस x की जगह क्या है, 10² y, तो 1 प्लस 10² y जो है वो किसके इक्वल होता है, sec² y के, sec² y जो है 1 अपॉन sec² y किसके इक्वल आ जाएगा, cos² y के,
अब क्योंकि हमें जो प्रूव दैट में कंडीशंस दी हुई है कि प्रूव दैट हमें क्या करना है, तो nth डेरिवेटिव हमारा किसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, साइन पाई बाई टू माइनस वाई के अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो फंक्शन जो है वो हमारा साइन के अंदर आ रहा है, और हम जब डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा फंक्शन कोस के अंदर आएगा। तो हम क्या करेंगे, कोस को साइन में चेंज कर लेंगे, यानी कि कोस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। तो आपके पास में ये जो टर्म आई है साइन स्क्वायर वाई, सॉरी कोस स्क्वायर वाई, इसको हम क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर वाई को हम लिख देंगे साइन स्क्वायर पाई बाई टू माइनस वाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर पाई बाई टू माइनस वाई, जैसे हमने लास्ट टर्म किया है उसी तरीके से ये करना है। ये हमारे पास है पावर टू। इस टर्म को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस वाई एंड साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस वाई, ये आ गया। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग सेकेंड डेरिवेटिव जब हम इसका निकाल रहे हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि टू साइन थीटा, टू साइन थीटा कोस थीटा। तो टू साइन पाई बाई टू माइनस वाई इंटू में कोस ऑफ पाई बाई टू माइनस वाई इंटू में वाई वन, और वाई वन जो है वो हमारे पास में क्या है, वाई वन हमारे पास में आया है साइन स्क्वायर पाई बाई टू माइनस वाई। तो उसकी वैल्यू हम लगा देंगे यहाँ पे, और इंटू में क्योंकि हम वाई के रिस्पेक्ट में करें तो इंटू में हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस वन भी आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ये माइनस में आ रहा है ना थीटा, तो यहाँ से आपके पास में वाई टू जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये माइनस यहाँ ले लेते हैं, माइनस टू साइन पाई बाई टू माइनस वाई एंड कोस ऑफ पाई बाई टू माइनस वाई, और वाई वन जो है वो किसके इक्वल आया, साइन स्क्वायर पाई बाई टू माइनस वाई के। तो इसकी वैल्यू लगा देते हैं साइन स्क्वायर पाई बाई टू माइनस वाई, ये वैल्यू आ गई आपके पास में। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ले लेते हैं, यानी कि हमारे पास आ गया माइनस वन की पावर वन, और ये आ जाएगा टू साइन थीटा कोस थीटा। तो टू साइन थीटा कोस थीटा क्या आ जाएगा, साइन टू थीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन टू पाई बाई टू माइनस वाई, और इंटू में क्या आ रहा है हमारे पास में, साइन स्क्वायर पाई बाई टू माइनस वाई। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव आ रहा है। एक डेरिवेटिव और निकाल लेते हैं इसका, थर्ड डेरिवेटिव। तो थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये तो कॉमन ही रहेगा, माइनस वन तो कॉमन रहेगा, इसका डेरिवेटिव वही प्रोडक्ट रूल से कर देंगे हम। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये माइनस में वाई है तो ये आ जाएगा माइनस टू कॉस टू पाई बाई टू माइनस वाई इंटू में साइन स्क्वायर पाई बाई टू माइनस वाई प्लस प्लस में क्या आ जाएगा, साइन टू पाई बाई टू आ जाएगा, प्लस साइन टू पाई बाई टू माइनस वाई एंड इंटू में इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, टू साइन थीटा कोस थीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास में इंटू में टू साइन पाई बाई टू माइनस वाई एंड कोस ऑफ पाई बाई टू माइनस वाई, ये आ जाएगी हमारे पास में टर्म्स, पाई बाई टू माइनस वाई, और साथ में हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस वन और इंटू में वाई वन आ जाएगा। ठीक है, वाई वन हमारे पास में क्या वैल्यू आई थी, साइन स्क्वायर पाई बाई टू माइनस वाई, तो उसी की वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से भी माइनस कॉमन निकल जाएगा और एक यहाँ से भी माइनस कॉमन निकल जाएगा। तो हमारे पास में माइनस वन की पावर कितनी हो जाएगी, टू, माइनस वन की पावर टू आ जाएगी, और आपके पास में इस टर्म में टू कॉमन निकल रहा है और इस टर्म में से भी टू कॉमन निकल रहा है, तो ये वाला हम टू कॉमन निकाल देंगे। इसके अलावा हमारे पास में साइन पाई बाई टू माइनस वाई है और इस टर्म में भी साइन पाई बाई टू माइनस वाई है, तो यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं साइन पाई बाई टू माइनस वाई को, ये टर्म्स हमारे पास कॉमन रखी। अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या टर्म्स बची है, कोस टू दिस इंटू साइन, तो ये आ जाएगा हमारे पास में कोस ऑफ, ये आ गया कोस टू, सॉरी कोस टू पाई बाई टू माइनस वाई एंड साइन पाई बाई टू माइनस वाई, और इस टर्म में से हमारे पास ये निकल गया कॉमन, तो ये आ जाएगा प्लस साइन टू पाई बाई टू माइनस वाई इंटू में कॉस पाई बाई टू माइनस वाई, और वाई वन हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाई टू माइनस वाई, ये टर्म्स आ गई है। अब आपके पास में ये क्या हो जाएगा, माइनस वन की पावर टू
ये हमारा थर्ड डेरिवेटिव निकला था। थर्ड डेरिवेटिव में हमारे पास क्या आया है, माइनस वन की पावर टू एंड टू ये आ ही रहा था, टू साइन पाई बाई टू माइनस वाई, और एक ये था साइन स्क्वायर पाई बाई टू माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा साइन क्यूब पाई बाई टू माइनस वाई, ये आया था साइन टू थीटा कॉस थीटा, साइन टू थीटा कॉस थीटा प्लस कोस टू थीटा साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन साइन थ्री थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास टर्म्स क्या हो जाएगी, साइन थ्री पाई बाई टू माइनस वाई, ये आपके पास में टर्म्स आ जाएगी। तो थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास में क्या आ गया, ये आ गया। अब सिमिलरली nth डेरिवेटिव, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। अब सिमिलरली अगर हम nth डेरिवेटिव निकालते हैं तो nth डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इन टर्म्स को ही देखते हुए। तो वाई टू में हमारे पास माइनस वन की पावर वन आई थी, वाई थ्री में हमारे पास माइनस वन की पावर टू आई थी, तो nth डेरिवेटिव में माइनस वन की पावर क्या आ जाएगी, एक कम आ रही है तो n माइनस वन हो जाएगी। अब वाई टू में हमारे पास वन आया था, यहाँ पे टू फैक्टोरियल है तो ये क्या हो जाएगा, एन माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा। उसके बाद में इस टर्म में फर्स्ट जो डेरिवेटिव था वहाँ पर हमारे पास साइन साइन वन थी, साइन वन पाई बाई टू माइनस वाई और साइन की पावर वन पाई बाई टू माइनस वाई, सेकेंड डेरिवेटिव में साइन टू पाई बाई टू माइनस वाई और साइन स्क्वायर पाई बाई टू माइनस वाई आई थी, थर्ड में हमारे पास क्या आया था, साइन क्यू पाई बाई टू माइनस वाई और साइन थ्री पाई बाई टू माइनस वाई। तो यहाँ पर हमारे पास में nth डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, साइन एन पाई बाई टू माइनस वाई और साइन की पावर एन पाई बाई टू माइनस वाई, तो ये टर्म्स हमारे पास में आ जाएगी। तो nth डेरिवेटिव जो है वो ये आ जाएगा जो हमें प्रूफ करना था। nth डेरिवेटिव हमारा सेम आ गया है, माइनस वन की पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन फैक्टोरियल, साइन एन पाई बाई टू माइनस वाई और साइन की पावर एन पाई बाई टू माइनस वाई, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में nth डेरिवेटिव सेम आ गया है। तो हमने यही फाइंड करना था। तो इस तरीके के जितने भी सम्स हैं, टेन इनवर्स के डेरिवेटिव निकालना है, एक्स की जगह हमारे पास जो भी टर्म्स दी हुई है, मतलब एंगल जो है वो हमारे पास में किसी भी तरीके का दिया हुआ है, उसको हमने इसी तरीके से ही करना है। जैसे कि अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कोट इनवर्स एक्स बाई ए या एक्स बाई बी का हमने डेरिवेटिव निकालना है, तो एंगल जो मर्जी हो हमने इसी तरीके से डेरिवेटिव करना है जो मैंने आपको दो सम करके दिखाए हैं। वाई लेट कर लिया, एक्स की वैल्यू निकाल ली, उसका डेरिवेटिव निकाला, और दो तीन डेरिवेटिव्स, तीन या चार डेरिवेटिव तक हम वैल्यूज निकाल लेंगे। चार डेरिवेटिव हमने निकाल के हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके की टर्म्स आ रही है। तो जनरल टर्म nth डेरिवेटिव जो है वो उसी के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर देंगे। तो कल हम कल के लेक्चर में भी कुछ और टाइपिकल एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ सम्स करेंगे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।